Close to 85 lakh beneficiaries are there as far as Bihar is concerned under the Ujjwala Yojana, and the government has spent close to 1,366 crore rupees as far as this Ujjwala Yojana is concerned. Now, as of now, if you look at Bihar region, state of Bihar, there are close to 13 LPG bottling plants in entire Bihar, and the capacity of these 13 bottling plants is close to 25 lakh cylinders per day. So now, if we talk about the Banka bottling plant, and of course, the bottling plant at Champaran part, they both have the capacity to manufacture or to inject close to 80,000 cylinders on a daily basis. So this primarily these two projects, the Banka bottling plant and of course the Champaran bottling plant, will help in meeting the demand as far as LPG cylinder is concerned. Second important part is that the time taken for LPG cylinder to reach in the remotest area will now reduce, because these bottling plant are now opening up in the regions like Champaran. This will help in providing a gas cylinder on time as far as East Champaran is concerned, West Champaran is concerned, Gopalganj is concerned, Sitamani, Siwan. So these are the area whereby the Champaran bottling plant will cater to. And we should not forget this fact that there are two refineries as of now, in Paradip and in Haldia. So there was this entire stretch of Paradip, Haldia and Durgapur. So now the section has been increased from Durgapur till Banka, whereby the bottling plant is there. So yes, it's a state of art technology being used as far as this entire LPG gas connection line is concerned. So from refinery, where the gas is actually produced from. की सावधानियों का जिक्र इस प्रोटोकॉल में किया गया है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिए और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दवाइयां लें. जहां तक संभव हो या चिकित्सक अनुमति दे, प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम और ध्यान जरूर करें. पर्याप्त नींद लें और आराम करें. खतरे के संकेतों मसलन तेज बुखार, सांस फूलना, अप्रत्याशित सीने में दर्द जैसे लक्षणों के प्रति सचेत रहें. जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना सकारात्मक अनुभव अपने मित्रों और रिश्तेदारों से साझा करना चाहिए. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को 7 दिनों के अंदर फॉलोअप में एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए. ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, अगर उन्हें इस तरह के लक्षणों की शिकायत होती है तो उन्हें निकटवर्ती स्वास्थ्य क्लिनिक में जाकर खुद को डॉक्टर से दिखाना चाहिए. गंभीर मामलों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है. तो पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है सरकार की ओर से. अगर आप ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना, वहां की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण भारत ने किया. मुझे याद है मैं राजदूत था, एक दिन राष्ट्रपति कारजाई ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि हम चाहते हैं, हमने फैसला किया है कि भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है कि भारत वहां हमारी मदद करे और जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भारत बनाए. तो मैंने कहा मैं इसको अपनी सरकार से पूछूंगा और मुझे विश्वास है कि ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी, हमारे संबंधों के लिए, अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की अच्छी बात होगी. और फिर आपने देखा कि मोदी जी ने उसका बिल्कुल उद्घाटन किया था. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जयशंकर जी ने आज कहा कि अब जो अफगानिस्तान में वार्ता हो रही है वो अफगान ओन्ड हो, अफगान कंट्रोल्ड हो, बिल्कुल सही है. जो भी फैसले हैं वो अफगानिस्तान के लोग करेंगे, लेकिन मुश्किलात बहुत आए क्योंकि एक तरफ तो तालिबान, और तालिबान का एक कमांड है, एक कंट्रोल है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार है और अफगानिस्तान के जो काबुल के जो 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 विभिन्न पार्टियां हैं, जो गुट हैं, उनके नुमाइंदे. तो एक तरफ तो एकजुट लोग हैं जिनकी एक विचारधारा है, और आज जो आपने क्लिप चलाए थे अपनी रिपोर्ट में जिसमें एक तरफ अब्दुल्ला बोल रहे थे, दूसरी तरफ मुल्ला बरादर बोल रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि विचारधाराएं कितनी फर्क है. बिल्कुल सही. तो आगे चल के मुश्किल बहुत आएगी, कि सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि अफगानिस्तान